बिल्कुल, ये जो आज ये प्रेस क्लब रायपुर के अंदर जो प्रेस वार्ता हुई है, ये इसलिए की गई है क्योंकि हमें सेना के अंदर अहिर रेजिमेंट के गठन के लिए, जो हमारा संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा देश और देश के कोने कोने के अंदर अपने यादव भाइयों को जागृत करने के लिए, एकत्रित करने के लिए और सेना में अहिर रेजिमेंट गठन करने के लिए जो संघर्ष कर रहा है, तो रायपुर के लोग और देश के लोग हमें ये जागृत करना है, उनको बताना है कि हमें अहिर रेजिमेंट चाहिए क्यों और क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे हमारे समाज का तो नाम होगा ही होगा, साथ ही साथ हम अपने राष्ट्र को रक्षित और सुरक्षित करने में और ज़्यादा भूमिका निभा सकते हैं और ज़्यादा संख्या बल में सीमा में जाकर के अपने शौर्य पराक्रम और वीरता को दिखा सकते हैं। तो इस ये अहिर रेजिमेंट के लिए हमने इस छत्तीसगढ़ के लोगों से आह्वान करने के लिए आया हूँ ताकि आप सब एकत्रित होकर के और दिल्ली के अंदर जो 23 सितंबर को हमारा बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा उसके लिए वो सहभागिता दिखाएं और वहाँ पर अपना तन मन धन से जो है सहयोग करें। और आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ अपने यहाँ के लोगों के बुज़ुर्गों का ऐसा है ताकि जो हमें बल मिले और इस संघर्ष जो इस संयुक्त रेजिमेंट मोर्चा है ये और आगे तक अपना प्रयास को जब तक लक्ष्य हासिल ना हो तब तक लड़ता रहे और आगे बढ़ता रहे। बहुत सारे जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स तक हमें पहुंचा दिया है और बहुत सारे नेता हैं जो मंत्री लेवल नीचे वाले जो लेवल राज्य मंत्री हैं उन तक सब पहुंच गए और देश मीडिया आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के हर बड़े मिनिस्टर तक ये बात पहुंच रही है, वो सुन रहे भी हैं देख रहे भी हैं लेकिन अभी तक कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध बार बार मेरा आह्वान है माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, रक्षा मंत्री जी से भी और माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी और देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से भी कि हमारी जो ये रेजिमेंट की मांग है ये एक जायज़ है, इससे हमारा कौम का तो नाम होगा ही होगा लेकिन राष्ट्र का मान स्वाभिमान और सम्मान और बढ़ेगा। और ये मांग जो है अहिर रेजिमेंट की हमारी मांग है, संसद में काफ़ी सांसदों ने उठा रखी है, हर दल के सांसदों ने उठा रखी है और 23 मार्च को जो हमारा गुड़गांव खेड़ के दोला में एक प्रदर्शन हुआ था उसमें भी लगभग सभी राजनीतिक दलों के सांसदों ने आके इस मांग का समर्थन किया था।